हेलो स्टूडेंट्स आई एम रीता मिश्रा वेलकम टू माय क्लास मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलो एरिन एल्कोहल फिनॉल एंड इथर बायो के एसेक्शल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसे भी देख सकते हो नाउ लेट एस स्टार्ट इन दिस वीडियो वी आर डिस्क्राइबिंग एक्सट्रेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बॉल ऑफ आयरन इज एफी atomic number 26 atomic mass 55.85 oxidation state is +2 and +3 its electronic configuration argon 3d6 and 4s2 Ye, it occurs in the form of following ores magnetite fe3o4 black in color hematite fe2o3 red in color limonite fe 20 dot 20 red yellow and brown in color siderite या सिपेटिक आयरन एफ एफ ई थ्री आयरन पायराइट एफ ई एस टू विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड चैल्को पायराइट सी यू एफ ई एस टू विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉपर नाउ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ठीक है जिसका फॉर्मूला क्या है आपका एफ ई टू ओ थ्री तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या आते हैं कंसंट्रेशन में आते हैं यहां पर हम जो और माइंड से हमको मिलता है उसको ग्राइंड करते हैं ठीक है ना ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं तो ग्राइंडेड और को हम कंसंट्रेशन पाए ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो ओर हमको ग्राइंडेड और हमने लिया है उसमें बहुत स्पीड में वाटर करंट पास करेंगे जो हैवियर ओर पार्टिकल्स रहेगा वो आपके उसके पिट में जो है वो स्टोर हो जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं फ्लो हो जाते हैं ठीक है और इस रेसिड्यू को लेकर के फिर हम अगले स्टेप में जाते हैं इसके अब, इसके बाद जो है हम इसका क्या करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं है ना मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स uh, रहेंगे वो क्या रहेंगे मैग्नेट के पास में फॉल होंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं वो मैग्नेट से दूर फॉल होते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग तो यहाँ पर हम कंसेंट्रेटेड ओर में लेते हैं कंसेंट्रेटेड ओर को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे जब हीट करते हैं तो उसमें से आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर आर्सेनिक है ना ये और जो भी वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं वो सब क्या हो जाता है आपका रिमूव हो जाता है ठीक और फेरस ऑक्साइड जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है यानी एफ ई ओ इज ऑक्सीडाइज इन टू एफ ई टू ओ थ्री और ओर जो है आपका कैसा होता है इस इस स्टेज में आपका और बिकम पोरस अगर आपके और में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो कार्बोनेट भी जब आप उसका में हीट करते हो तो आपका क्या होता है आयरन ऑक्साइड यानी फे, फेरस ऑक्साइड प्लस आपका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो जाता है ठीक है उसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं अगला स्टेप क्या है हमारा स्मेल्टिंग ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमको कैल्सिनाइड और मिला था उस कैल्सिनाइड और में हम कोक ऐड करते हैं लाइमस्टोन कर ऐड करते हैं और उसको स्मेल्ट करेंगे हम किसमें ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं ठीक है ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या रिएक्शन होती हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फेरिक ऑक्साइड है वो कार्बन मोनो के साथ ठीक है इसका रिडक्शन होता है ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्पॉन्जी आयरन आपको मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है एट फोर तो हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर ठीक है उसके बाद हमारा क्या होता है नेक्स्ट इसमें कि यहाँ पे हम देखते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन डाला है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो डिसोशिएट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके एट हंड्रेड 100, वन थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या फॉर्म होता है स्लैग कैल्शियम सिलिकेट ठीक है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ठीक है अब हमको आयरन भी उसमें मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के प्रेजेंस में कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है कोक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अब जो स्पॉन्जी आयरन है वो कोक के साथ यानी कार्बन के साथ जो है रिएक्ट करता है तो हमको आयरन सेचुरेटेड विथ कार्बन यानी कि जो आयरन हमको मिलता है उसमें कार्बन भी आपका प्रेजेंट रहता है ठीक है जो सेचुरेटेड आयरन विद कार्बन हमको मिला था उसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ, पर वो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है मोल्टन इम्प्योर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं पिग आयरन कहते हैं उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोक के साथ फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिमूव होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एट सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और हमको मोल्डन इम्प्योर आयरन या पिग आयरन हमको फॉर्म होता है अब हम ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम देखते हैं इस फर्नेस में क्या है कि हमने ओर कोक प्लस लाइमस्टोन हमने इसमें डाला है ठीक है नीचे से हम हॉट एयर डालते हैं ठीक है तो ये क्या है आपका कंबशन जोन है जहां पे आप ये धीरे धीरे हीट होता है ठीक है ना और और हॉट गैसेस जो है यहाँ से रिमूव होती हैं तो जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें क्या क्या चेंजेस होता है तो सबसे पहला आपका क्या होगा जो मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है वो मॉइस्चर लॉस होता है यानी कि एस जो लिक्विड फॉर्म में था इसमें मॉइस्चर वो गैसेस फॉर्म में आपका रिमूव हो जाता है रिडक्शन जोन में हम आते हैं एट हंड्रेड पर यहाँ पर Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होकर के क्या बनाता है आपका Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड यह Fe3O4 फिर मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होकर के क्या देता है FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन जोन यानी कि 1273 केल्विन पर कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एस टू ये करके आपका स्लैग बनता है यानी कैल्शियम सिलिकेट है ना आयरन ऑक्साइड जो हमको एफ मिला था ये एफ ईओ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइंड होकर के एफ ई प्लस सीओ टू आपका फॉर्म हो जाता है सीओ टू आपका रिमूव होता है ठीक है फ्यूजन जोन में जो इसमें सीओ टू है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसके बाद हम इस जोन में आते हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आपका एफ ई के साथ जो है वो कोक के साथ रिड्यूस हो करके आपका मोल्टन आयरन यानी कि एफ ई प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आपको फॉर्म होता है ये जो हमको मोल्टन आयरन मिला है ये क्या इम्प्योर फॉर्म में है स्लैग जो रहता है वो मोल्टन आयरन के मेटल के ऊपर रहता है तो हमको इस तरह से उसको रिमूव कर लेते हैं और नीचे हमारा क्या रहता है मोल्टन आयरन जिसको हम मैट कहते हैं उसको हम रिमूव निकाल लेते हैं ठीक है इस ये जो हमको मिला है ये क्या है हमारा इम्प्योर आयरन यानी कि पिग आयरन मिला है इस पिग आयरन को हम वापस से रिमेल्ट करते हैं वर्टिकल फर्नेस में ठीक है इसको कोक के साथ हीट किया जाता है जो हमको मोल्टन मेटल फॉर्म होता है उस मोल्टन मेटल को हम मोल्ड में पोर्ड कर देते हैं तो उससे हमको क्या मिल जाता है कास्ट आयरन ऑप्टेन हो जाता है ठीक है उसके बाद हम आते हैं कि रोट आयरन किस तरह से फॉर्म करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रोट आयरन है ना ये फर्नेस का डायग्राम है यहाँ पर हम क्या करते हैं एफ ई टू ओ थ्री इसके इसमें डालते हैं मोल्टन आयरन है iron, ना वो मोल्टन आयरन इसमें लिया जाता है एफ ई टू ओ थ्री से ये लाइनिंग रहती है ठीक है इसमें हम यहाँ से इसको हीट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है क्या होगा एफ जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन सिलिका मैग्नीज एंड फॉस्फोरस जो कि इस आयरन में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है तो जो एफ कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में सिलिका को सिलिका ऑक्साइड मैग्नीज़ को मैग्नीज ऑक्साइड और फॉस्फोरस को फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मोल्टन मेटल से निकलता है ठीक है मैग्नीज़ ऑक्साइड जो हमको यहाँ पर मिला है ये मैग्नीज़ ऑक्साइड क्या करता है सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है स्लैग फॉर्म करता है मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाइए एम एन एस आई ओ थ्री जो कि क्या है आपका स्लैग है उसी तरह से फॉसफोरस केंटा ऑक्साइड जो हमको ऑक्सीडेशन में फॉर्म हुआ था वो भी आई इस फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एज ए स्लैग फेरिक फॉस्फेट फॉर्म होता है यहाँ पे जो इस प्रोसेस में जो हमको आयरन मिलता है वो बिल्कुल तरह से फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी रहता है यानी कि इम्प्योरिटी बिल्कुल भी उसमें नहीं रहता है है ना तो उसकी सारी इंप्योरिटी हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है और आयरन जो हमको फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म होता है स्मॉल बॉल के फॉर्म में फॉर्म होता है उस बॉल को उसको हम हैमर्ड करते हैं ताकि हम उसको स्लैग से सेपरेट कर सकें इस तरह से हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो ऑप्टेंड होता है है ना जो कि आपका क्या है रोट आयरन है ठीक है तो आपने इसमें देखा कि हम किस तरह से ओर का आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है आपका ब्लास्ट फर्नेस वाला कि ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम प्लस इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपको लिखनी रहती हैं ठीक है आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें Thank you for watching my video.